आज हम आपको ट्रेन पाथ्स के बारे में कुछ बताएंगे आफ्टर इफेक्ट में। तो शुरू करते हैं। तो न्यू कंपोजिशन 90, 20 एंड 10 सेकेंड्स एंड उसके बाद लेयर में न्यू शेप लेयर। देन उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल से भी इसे कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल से हमने करके दिया। और ये एक पेन टूल है, इस पेन टूल से हम लोग कस्टमाइज कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हम फोटोशॉप में कोई भी डिजाइन बनाया, उसे एनिमेटेड बनाना चाहते हैं, तो ऐसे उसे ड्रैग कीजिए आफ्टर इफेक्ट में, देन उसके पास पेन टूल से एनिमेट कीजिए। तो हम लोग अभी आपको रेक्टेंगल से एक शेप बना रहे हैं इस तरह से, और उसके बाद रेक्टेंगल में यहाँ स्टॉक है, स्टॉक में जाइए, यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं इसमें, जो भी हम उसका बॉर्डर का या उसका कलर देना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके नीचे स्टॉक विड्थ, इससे हम इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमें कितना मोटा बॉर्डर चाहिए या कितना पतला बॉर्डर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। देन हमें हमारे स्टॉक को अगर राउंड करना चाहते हैं तो राउंड भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डैशेस वगैरह के बारे में है, बट वो थोड़ा बाद में। तो अभी हम लोग रेक्टेंगल को बंद करते हैं, स्टॉक को यहाँ ऐड पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करते हैं तो ट्रिम पाथ्स हमें को सिलेक्ट करना है। तो ट्रिम पाथ में आए, ट्रिम पाथ में एंड एंड पे हमें क्लिक करना है, देन इसे जीरो करना है और एंड पे क्लिक करना है, देन इसे 10 सेकेंड पे लेके जाते हैं एंड इसको 100 कर देना है। तो अब हम प्ले करके देखते हैं इसका प्रीव्यू हमें कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरह से हमें रनिंग में सब हमारा बॉर्डर रनिंग नजर आएगा। ट्रिम पथ के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस हैं हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसे राउंड में बनाएं और डैश में बनाएं, तो उसे भी हम लोग देखते हैं कि हमें हम लोग कैसे कर सकते हैं। और एक इसे हम किसी भी इमेज पे भी या किसी का भी बॉर्डर बना सकते हैं, किसी भी डिजाइन में बॉर्डर बना सकते हैं। अभी हम दोबारा स्टॉक में देखते हैं, तो स्टॉक में आपको ये डैश नज़र आ रहा होगा, इसे प्लस कीजिए, इसे हम जैसे बढ़ाएंगे डैश को जीरो करना है और इसे डैश प्लस को एक बार फिर प्रेस करते हैं तो हमें गैप का भी ऑप्शन आता है। तो ये देखिए हमारे डॉट्स बन गए हैं। अब ये डैश को जीरो रखेंगे तो डैश हमारे राउंड बनेंगे, और जैसे जैसे हम डैश को बढ़ाएंगे तो हमारा जो ये राउंड है थोड़ा बड़ा होता जाएगा। ऐसे हम इसमें गैप भी कम कर सकते हैं, गैप को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। ओ, अभी हम दोबारा ट्रिम पाथ में आते हैं। अभी स्टार्ट को हम बंद करते हैं, एंड को बंद करते हैं, देन यही हम लोग
ऑफसेट में, ऑफसेट ऑफसेट क्लिक किया, देन 10 सेकेंड इसमें 320, देन प्ले, तो ये बहुत फास्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा फास्ट। अगर इसे स्लो करना है तो सिंपल यहाँ जाए, इसके काउंट करें, इसे 100 कीजिए, इसे 100 करते हैं तो ये और स्लो हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग किसी में भी बॉर्डर बना सकते हैं, किसी इमेज में बनाना है या किसी डिजाइन में बनाना है तो रनिंग बॉर्डर है, ट्रेन पाथ हमें यूज करके इस तरह से बॉर्डर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।